नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मची हुई है क्योंकि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ओसामा साहब से मिलने पहुंच गए हैं। जी हां, वही ओसामा साहब जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। आपको पता होगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब बीमार चल रही हैं और कल रात को ही उन्हें पटना लाया गया था। पारस में उनका इलाज चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। उसके बाद जब बिहार में राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा बड़ी हुई है, मुकेश सहनी ऐसे भी काफी चर्चा में है क्योंकि बनारस एयरपोर्ट में जो भी उनके साथ हुआ उसके बाद से राजनीतिक चर्चाएं काफी बढ़ी हुई है मुकेश सहनी को लेकर। एनडीए के भीतर भी काफी बातचीत हो रही है, लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी ओसामा साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बिहार में चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, आपको तस्वीर में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब नज़र आ रहे होंगे और साथ ही साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी आपको नज़र आ रहे होंगे। दोनों ने ही मुलाकात की है, एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल बैठे हुए हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन क्या बातचीत हुई है इन दोनों के बीच में, ये अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब बीमार है, इसलिए वो उनसे हालचाल लेने के लिए पहुँचे थे मुकेश सहनी, और इसी दौरान उन्होंने ओसामा साहब से भी बातचीत की है, मुलाकात की है और साथ ही साथ उनका ढाढ़स बंधाया है। लेकिन बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस मुलाकात को लेकर अभी से ही चर्चाएं तेज हो गई है क्योंकि आपको पता है कि मुकेश सहनी पहले महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हो गए और सीधे जाकर एनडीए में मिल गए और उसके बाद उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। फिलहाल उनके पास पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन बीते कुछ दिनों से मुकेश सहनी एनडीए से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने मानसून सत्र शुरू होने से पहले एनडीए की बैठक का भी बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद उनके ही विधायक ने यह कहा था कि मुकेश सहनी किसी भी विधायक से सलाह विचार नहीं करते हैं, बैठक का बहिष्कार करना केवल उनका फैसला था, पूरी पार्टी और सभी विधायकों का यह फैसला नहीं था। ऐसे ही मुकेश सहनी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं तेज हैं एनडीए के भीतर। लेकिन इसी बीच जब मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हो गए हैं, तब जाकर उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार वालों से मुलाकात की है। हिना शहाब तो अस्पताल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद पहली बार उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे और अब बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी मिलने पहुंच गए हैं। ऐसे भी मुकेश सहनी को लेकर इन दिनों चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। बनारस एयरपोर्ट पर मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बाद मुकेश सहनी और उनके पार्टी के तमाम नेताओं ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया, ये कहा कि बीजेपी जो है वो दोहरा व्यवहार कर रही है, उसका बदला लिया जाएगा। एनडीए के भीतर इन सभी चीज़ों को लेकर ऐसे भी हलचल मची हुई। लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी का ओसामा साहब से मिलना, हिना शहाब का हालचाल पूछना काफ़ी बड़ी बात है और राजनीतिक उथल पुथल इससे ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मुलाकात को आखिरकार पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में क्या नाम दिया जाता है और इस मुलाकात के मायने मतलब आगे चलकर क्या निकल कर आते हैं, या फिर ये सिर्फ एक औपचारिक भेंट ही थी। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।